झारखंड यूथ एसोसिएशन की मांग है कि झारखंड सरकार नियोजन नीति के नाम पर राज्य के युवा वर्ग को बांट रही है। इस नियोजन नीति को तत्काल रद्द किया जाए। एसोसिएशन के राकेश ओझा का कहना है कि पूर्व की रघुवर सरकार ने झारखंड के बेरोजगारों को 11 जिला और 13 जिला में विभक्त कर बांटने का प्रयास किया था और वर्तमान सरकार इससे मैट्रिक का सर्टिफिकेट के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है। सरकारें सिर्फ नीतियां बना रही हैं, नियोजन एक भी नहीं हो रहा है। युवकों ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन कर नियोजन नीति को रद्द करने की भी मांग की है। आंदोलनकारी युवकों का कहना था कि बहुत बड़ी संख्या में झारखंड के लोग बाहरी राज्य में काम करते हैं और परिवार के साथ रहते हैं। ऐसे में उनके बच्चे जिन्होंने दूसरे राज्यों से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की है, उन्हें झारखंड में रोजगार से वंचित किया जा रहा है। इसलिए मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी देना गलत है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश ओझा का ये भी कहना है कि वह बोकारो जिले का रहने वाला है। 1926 में उनका खतियान है। उनके पिताजी कोलकाता में नौकरी करते हैं, वहीं से उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की है और पास भी की है। वर्तमान नियोजन नीति से वह झारखंड में नौकरी नहीं ले पाएंगे, ये गलत है। ये न सिर्फ युवकों के साथ अत्याचार है बल्कि इससे जनरल और दूसरे वर्ग के लोगों में भी वैमनस्यता भी बढ़ेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।